सो हाय दोस्तों, फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का शानदार स्वागत है। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं दी क्रैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह मोबाइल से वीडियो शूट करना चाहते हैं और वो भी प्रोफेशनली, यूट्यूब वीडियोस को शूट करने के लिए कोई DSLR या फिर कोई बड़े कैमरे की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन हो तो भी उसे आप अच्छी क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी के वीडियो शूट कर सकते हो। बट कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में ओपन कैमरा से वीडियोस को शूट करते होंगे फिर भी आपकी वीडियो में क्वालिटी नहीं आती होंगी, तो इस मैं आपको ओपन कैमरे के सभी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने वीडियोस में क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ओपन कैमरे की जो सेटिंग्स होती है, जो खुफिया सेटिंग जो बहुत सारे क्रिएटर्स नहीं बताते और कुछ बताते, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ओपन कैमरा के सभी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसे आपको एक हेल्प मिलेंगे और आप अपने वीडियोस में क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी वीडियो को हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वीडियो आप शूट कर पाएंगे। दोस्तों, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं, पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे को दबाना मत भूलना, ऑल पर रख लो, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आपको सभी सेटिंग्स आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर बताता हूं स्टार्टिंग से, तो देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर ओपन कैमरा आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको यहां से ओपन करो। ओपन करने के बाद यहां पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके। तो यहां हमें कुछ परमिशन को अलाउ करना है, ओके। तो हमें सिंपली करना है क्या, अलाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके। तो अब हमें करना क्या है, तो ये जो स्क्रीन का जो भी यहाँ पर सेटिंग्स है वो मैं आगे बताऊंगा, बट सबसे पहले हम यहाँ पर मेन सेटिंग्स पर चले जाते हैं कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद, ओके। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना ये फेस डिटेक्शन दोस्तों आपको यहाँ पर इसको, अगर आप इसको एनेबल करके रखते हैं तो ये बार बार जो आपका फेस है इसको डिटेक्ट करते जाएगा, तो आप इसको मैनुअली आप कर सकते हैं, तो आप इसको ऑफ रख देना, ओके। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे टाइमर है, टाइमर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने जब भी आप वीडियो जो रिकॉर्ड का जो बटन होता है जब उसको आप प्रेस करेंगे तो कितने सेकंड के बाद वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 सेकंड रख लेता हूँ, कि आप चाहे तो इसको ऑफ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 सेकंड रख लेता हूँ, कि उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए रिपीट मोड इंटरवल, ये हमें कुछ इस तरह का डिले जो टाइम होता है ना दोस्तों वो है, ये तो ये हमारे काम के लिए नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर दें, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो जितनी भी सेटिंग्स है वो आपको इसको छेड़ना नहीं है दोस्तों, जो पहले से बाई डिफॉल्ट उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको करना है कि मेन जो सेटिंग्स है ना दोस्तों वो हमें यहाँ पर देखिए वीडियो सेटिंग्स पर आपको चले जाना है, ओके। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले जो आपको टॉप पर जो दिखाई देगा वीडियो रेजोल्यूशन, आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको Full HD पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा है, तो आप चाहे तो आपके हिसाब से यहाँ पर 4K भी रख सकते हैं, फिर 720 भी रख सकते हैं, 1080 भी रख सकते, ओके। तो यहाँ पर देखिए Full HD पर ये ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट है, तो यहाँ पर हमें इसको क्लिक करना है ऑलरेडी, ओके। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, तो ये कुछ इस तरह का है दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो को कितने मिनट तक की आप रिकॉर्ड करना चाहते हो वो यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ हम क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अनलिमिटेड हमें रखना है, ओके। हमें कोई टाइम जो लिमिट होती है वो नहीं रखना है, अनलिमिटेड हम जब वीडियो स्टार्ट करें तो अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाए, ओके। और उसके नीचे जो मैक्सिमम फाइल साइज है ये भी बेकार है, इसको छीना नहीं है, और उसके नीचे ये भी छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेन जो सेटिंग्स है ना यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड ऑडियो, तो यहाँ पर कभी कभार यहाँ पर ऑफ रहता है, तो आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, आपको इसको एनेबल कर देना, ओके। एनेबल करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑडियो सोर्स पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई हम जब ओपन कैमरे से वीडियो शूट करते हैं जो भी हमारा माइक हम अटैच करते हैं वो माइक काम नहीं करता, तो आप यहाँ पर बाई डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए कॉम कॉर्डर मतलब जो बाई डिफॉल्ट जो ओपन कैमरे के साथ जो आता है यहाँ पर वो सेट हो गया है, तो आपको करना क्या है, जब आप माइक अटैच करते तो आपको एक्सटर्नल माइक आपको यहाँ पर सेट कर देना है। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट, ओके। इस पर जब आप इसको सेट करते तो जो भी आपकी वॉइस है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगी। अगर आपके जब भी आप वीडियो शूट करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस कॉल, आपको इस पर आपको टाइप कर देना है। जैसे आप इस पर टाइप करोगे तो आपकी जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ओके। तो ये आप दोनों में से कोई एक आप ट्राई करके देखिए तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बिटरेट, आपको बिटरेट कितनी रखनी है वो भी आपके हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं, 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps। तो यहाँ पर मैं बिटरेट जो है दोस्तों यहाँ पर मैं 20 Mbps रख लेता हूँ, जो हमारे वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, तो यहाँ 20
बिटरेट रख लेता हूँ। उसके नीचे देखिए वीडियो फ्रेम रेट, ये भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, जब हम कैन मास्टर में जो भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 30 फ्रेम रेट होता है और एक 60 होता है, तो यहाँ पर आप 60 कर सकते हो। ओके, तो मैं 60 पे यहाँ पर कर लिया है। और जी यहाँ पर देखिए 4K HD वीडियो ऑनली वर्क, तो ये हमें छीना नहीं है, यहाँ से आप बैक आ जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे की तरफ फ्लैश विल रिकॉर्डिंग वीडियो, जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो क्या आप फ्लैश ऑन करना चाहेंगे, तो हमें अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से हमारा काम हो चुका है, यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आप जो मेन सेटिंग है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहाँ पर वीडियो मोड है ये फोटो मोड, तो यहाँ से मैं वीडियो मोड पर क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें फिर से परमिशन पूछा जा रहा है, तो अलाउ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुका है। ओके, करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके, ये साइड पर क्लिक करके जो भी आपका फ्रंट कैमरा है उसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, जो 3 डॉट है ना, यहाँ पर आने के बाद हमें काफ़ी सारे यहाँ पर हमें सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। जो आप वीडियो रेजोल्यूशन है वो फुल HD है, आप चाहे तो इसका टाइमर जो भी आपने सेट किया था सब, और जो आप कभी कभार अपने जो फेस है उसको एकदम ब्राइटनेस बनाना चाहते हो, यहाँ पर देखिए वाइट बैलेंस, उसको आप अपने हिसाब से, आप यहाँ से वार्म लाइट, डे लाइट, क्लाउडली, आप जो अपने हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। ओके, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन मोड, जो भी लाइटिंग है, पोर्टेबल एक्शन, लैंडस्केप, नाइट मोड, वो भी आप अपने हिसाब से एक बार इसको चेक करिए, जो अच्छा लगता है वो आप सेट कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी है, जो आपको पसंद आने वाली है। ये जो लॉक है ना दोस्तों, ये लॉक किसके लिए काम में आता है वो अभी आपको बताता हूँ। तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपका जो फेस है, जब वो डिटेक्ट करता है कभी लाइटिंग ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, तो ये किस तरह से काम करता है अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे एक टैप रख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए मैं इसको लॉक नहीं किया है, तो ये देखिए इसको जैसे मैं इस पर टैप कराया, टाइप करते ही यहाँ पर देखिए इसका ब्राइटनेस है एकदम से ओवर हो गया, फिर जो हल्का हो गया। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको एक बार टाइप करना है, टाइप करने के बाद इसको आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद जब भी आप जो मोबाइल होगा आपको उसको किधर भी मूव करिए, जो भी आपने लॉक किया था जो भी लाइटिंग में वो वही लाइटिंग रहेंगी। अगर इसको आप अनलॉक करते ही यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस एकदम से बढ़ गई, बढ़ चुकी है। तो आप इसको अपने जो फेस है इसको ऑटोमेटिकली जो डिटेक्ट करता है कभी लाइटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो जो फेस पे हार्श लाइट, जो ज़्यादा लाइट मारती है उससे हमारा जो फेस है एकदम से ख़राब दिखने लगता है। तो आप कुछ इस तरह इसको टाइप करना एक बार टाइप करने के बाद आपको जो अच्छा लगता है, एक मिनट यहाँ पर देखिए मैं अभी ये रख लेता हूँ। कि रखने के बाद इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद मैं मोबाइल को किधर बोले उधर मूव करूंगा, तो भी जो मैंने सेट किया था सेटिंग वही रहे, जो वही सेटिंग रहने वाली है। अगर इसको अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो सेटिंग्स है वो चेंज होगी। तो कुछ इस तरह ये काम में आता है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद जो भी आपके ब्राइटनेस है उसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह जो सेटिंग्स है, आप यहाँ पर मैं सारे सेटिंग्स आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये वीडियो में सिर्फ आपको सेटिंग्स बताया, आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई कीजिए, जो अच्छा लगता है उसको आप सेट कर सकते हो। ओके, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। बाय।